नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो पर। तो हमारी क्लासरूम सीरीज का तीसरा वीडियो है ये, जहां पे हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की और इसे यूज कैसे किया जाए, ये होता क्या है, इसके मायने क्या है एंड इसे यूज कैसे करना है। क्योंकि देखिए, बहुत बार लोगों ने इस वर्ड को सुना है, उन्होंने एक नंबर सुना है कहीं पे 1:2, 1:1, 1:3, ऐसे करके आपने कुछ नंबर सुने हैं और आपको जो भी नंबर बोल दिया गया कि ये नंबर अच्छा है, आपने उस नंबर को मान लिया। आज की इस वीडियो पे पहले तो हम इस नंबर को समझेंगे एंड दूसरे लेवल पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितने रेशियो में मुझे कितना फायदा होता है, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊं कि मेरी ट्रेड के लिए या मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज सही है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लासरूम सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे दिए हुए बेल के आइकॉन को क्लिक कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स। तो दोस्तों, चलिए पहले हम इसके एक बेसिक मतलब को समझते हैं। मैं डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट का एग्जांपल नहीं दूंगा, ताकि आपके मन में ये ना आए कि ये स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल है, बाहर कहीं नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो लिवरेज में भी मैंने यही किया था एंड बिड एंड आस्क में भी मैंने आपके साथ में यही किया था। तो अगर आप एक बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं कि एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आप 5 लाख रुपए लगाएंगे और वो सारे के सारे डूब जाएंगे, वो 5 लाख रुपए जो आप लगा रहे हैं वो सारे के सारे आपके डूब जाएंगे अगर आपका लॉस हुआ तो। लॉस होने का मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में कमाई नहीं हुई बल्कि घाटा हो गया, नुकसान हो गया, तो आपकी पॉकेट से कितने रुपए चले जाएंगे, 5 लाख रुपए चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो गए, अगर आपने कमाई की, तो आपकी कमाई होगी 20 लाख रुपए। तो ये है बिजनेस का पोटेंशियल। अब अगर मैं आपको दूसरा एक और बिजनेस दूं, ऑफर करूं कि इस बिजनेस पे अगर आपने लॉस किया तो आप 5 लाख रुपए का लॉस करेंगे, और अगर आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो इसकी कैपेसिटी है आपको 30 लाख रुपए कमा के देने की। तो अब आप बताइए, आप कौन सा बिजनेस चूज करना पसंद करेंगे? तो अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप बिजनेस ए करना पसंद करेंगे या बिजनेस बी करना पसंद करेंगे, तो बिजनेस ए आपको 5 लाख रुपए का नुकसान दे सकता है और 20 लाख रुपए का फायदा, बिजनेस बी आपको 5 लाख रुपए का नुकसान दे सकता है और 30 लाख रुपए का फायदा। तो ये कोई भी मुझे बता देगा कि अगर कभी भी मुझे ये दो में से एक बिजनेस को चूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा बिजनेस ए को चूज करूंगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसका पोटेंशियल 20 लाख के मुकाबले ये 30 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, और रिस्क जो मैं देख रहा हूं दोनों में सेम है, जो रिस्क है मेरा वो सेम है। तो यहां पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई है, अगर रिस्क सेम है तो दोनों का पोटेंशियल में से जो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है मैं उसे करना पसंद करूं। अब मैं आपके सामने में सेम वही प्रश्न वापस से दोहरा रहा हूं, लेकिन नंबर्स मैंने चेंज कर दिए हैं। नंबर्स मैंने ऐसे रखे हैं कि अगर आप बिजनेस ए कर रहे हो और आप सही बिजनेस करते हो और आपको उस बिजनेस में बहुत लाभ होता है, तो आपका लाभ होगा 385,000, 385,000। लेकिन अगर आपका ये बिजनेस फेल कर जाता है तो आप इस बिजनेस में घाटा उठाएंगे 1,15,000 रुपए का। दूसरा एग्जाम्पल है जहां पे मैं बिजनेस बी करने के लिए जा रहा हूं, अगर सही होता हूं तो 2,65,000 रुपए कमाऊंगा, और अगर गलत होता हूं तो मैं 82,000 गवाऊंगा। तो अब मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए और जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है और रिस्क कंपेरेटिवली उसमें कम है? तो अब अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो मुझे थोड़ी तकलीफ जाएगी, ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। फिर भी मैं अगर इसे नॉर्मल तरीके से देखूं तो ये नंबर्स मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देख के
कि ए अच्छा बिजनेस है कि बी अच्छा बिजनेस है, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में मुझे बहुत आसानी से समझ में आ गया था। मुझे इसलिए आसानी से समझ में आ गया था क्योंकि दोनों ही केसेस में रिस्क सेम था और मुझे सिर्फ कंपेयर किसको करना था कि कहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसको देखकर मैं अपना डिसीजन ले पा रहा था। तो अब आप चीज को समझिएगा, जो चीजें बिजनेस के लिए सही है कि आपको ऐसा बिजनेस करना चाहिए जहां पे रिस्क रिलेटिवली कम हो और इनकम कमाई के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हो, तो जब आप इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तभी आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे, अब आइए उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आप एक स्टॉक को देख रहे हैं जिसका नाम है ए और वो स्टॉक 500 रुपए में ट्रेड कर रहा है, अगर ये सही बैठता है तो आपको लगता है ये 560 तक जा सकता है, और अगर ये गलत होगा तो आप लॉस बुक कर लेंगे जब ये 480 जाए। तो अगर ये 560 रुपए पे जाएगा तो ये मुझे प्रॉफिट कितने का देगा, 60 रुपए का, और अगर ये मुझे नुकसान देगा तो ये मुझे 20 रुपए का नुकसान देगा। तो मैंने इसको ऐसे समझा है कि मेरा रिस्क 20 रुपए का है और मेरा पोटेंशियल रिवॉर्ड 60 रुपए का है। तो अगर मैं इसे रेशियो के माध्यम से समझना चाहूं तो मेरा रिस्क 20 का था, रिवॉर्ड 60 का था, तो अगर मैं इसे रेशियो में लिखूंगा तो ये 1 और ये 3 लिख सकता हूं, यानी एक रुपए के रिस्क के लिए मेरा रिवॉर्ड कितना है, 3। तो यहां पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, गलत होऊंगा तो 1 रुपया जाएगा और सही होऊंगा तो मुझे 3 रुपए प्राप्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा स्टॉक देखते हैं, बी। बी स्टॉक चल रहा है 600 रुपए का, अगर सही पड़ता है तो ये 720 तक जाएगा, यानी 120 रुपए का मेरा रिवॉर्ड है, और अगर गलत पड़ता है तो ये 540 रुपए तक जाएगा जहां पे मैं लॉस बुक करूंगा और मेरा जो रिस्क है वो है 60 रुपए का। तो अगर मैं देखूं पिछले केस में मेरा प्रॉफिट हो रहा होने की गुंजाइश थी 60 रुपए तक की, लेकिन यहां पे मेरे प्रॉफिट होने की गुंजाइश ऑलमोस्ट डबल है, 120 रुपए है। तो कौन सा स्टॉक अच्छा है, स्टॉक ए या स्टॉक बी? तो अगर मैं इसे समझना चाहूं तो रेशियोज मेरी हेल्प करते हैं और मुझे एक कॉमन नंबर देते हैं जिनसे मैं आसानी से कंपेयर कर सकूं। याद है हमारा बिजनेस वाला एग्जांपल, जैसे ही नंबर कॉम्प्लिकेटेड हुए हमें कंपेयर करने में तकलीफ जा रही थी, तो हम नंबर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम आसान ही रखेंगे। तो अब आप देखिए, मेरा रिस्क है 60 रुपए का, मेरा रिवॉर्ड है 120 रुपए का, रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 1:2 होता है, और अगर आपको याद होगा तो जो पिछला एग्जाम्पल था स्टॉक ए का, वहां पे रेशियो था 1:3। तो अगर अब मैं 1:2 और 1:3 को कंपेयर करूं तो मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं 2 रुपए कमाने के लिए, और यहां पे 1 रुपए का रिस्क लिया था 3 रुपए कमाने के लिए, तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होगा, ए या बी? साफ दिख रहा है कि ए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज को समझिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ने आपकी एक मुसीबत को हल कर दिया कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर 120, 60, 30, 40 इस नंबर को चेंज करके एक रेशियो बहुत इजी नंबर्स पे ले आया, 1:2, 1:3, 1:1। इसमें रिस्क क्या है आप समझ चुके हो, रिवॉर्ड क्या है आप समझ चुके हो। चलिए एक बार में इसको समराइज करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक जो समझा है वो यही समझा है कि जो आप लूज कर सकते हैं जिसे हम रिस्क कहेंगे, और जो आप जीत सकते हैं जिसे हम रिवॉर्ड कहेंगे, अगर मैं उसे एक्सप्रेस कर दूं इन टर्म्स ऑफ रेशियो तो वो बन जाता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब हमने रेशियो तो समझ लिए, रेशियो का मतलब क्या होता है, लेकिन ये रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या होती है, 1:1 का इंपॉर्टेंस क्या है, 1:2 का इंपॉर्टेंस क्या है, 1:3 का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अगर मैं आपको इसको यहाँ पे समझाऊं, ये जो अगर आपने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड करने के बाद
आपकी 5 ट्रेड सही है और 5 ट्रेड गलत है। मैं रेशियो में अगर आपको एक्सप्रेस करूं तो यहां पे आपने सही ट्रेड की है 50% की, लेकिन आपने कमाई कितनी की है? 0। क्योंकि अगर आपने 5 ट्रेड किया है, हर ट्रेड में 1 रुपया कमाया है और हर गलत ट्रेड में 1 रुपया आपने गवाया है, तो 5 कमाया, 5 गवाया, 0 हो गया। आपने यहाँ पे 10 ट्रेड की है, नुकसान करने वाली ट्रेड में 1 रुपया का नुकसान है, जीतने वाली ट्रेड में आपका 2 रुपया का फायदा है। तो अगर आपने 4 ट्रेड सही की है तो हर चार ट्रेड में आपको 2 रुपये आएंगे यानी 8 रुपये आए, और 6 गलत ट्रेड में 6 रुपये गए यानी 2 रुपये बचे। तो आपका यहाँ पे विनिंग परसेंटेज कम है, ओनली 40% है। आपकी विनिंग परसेंटेज मात्र 40% है, फिर भी आप पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हो। तो ये फायदा दिया 1:1 के ऊपर 1:2 के विनिंग परसेंटेज ने। रिस्क एक ही ले रहा हूं, यहाँ पे कमाई 1 ही रुपए होगी अगर रिस्क लेने के बावजूद। यहाँ पे अगर 1 रुपए का रिस्क लेता हूं तो 2 रुपए की कमाई होगी, बट ऑब्वियसली ये बेहतर है। अब यहाँ पे आपने 10 ट्रेड की है, गलत ट्रेड पे 1 रुपए गंवाया, तो आपने 7 गलत ट्रेड की तो 7 रुपए गंवाए, 3 सही ट्रेड की और हर सही ट्रेड में 3 रुपए कमाए, तो आपने यहां 9 कमाए, 7 गवाए, नेट 2 रुपए ही आए आपके पास। लेकिन यहां पे एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पे आपका विनिंग परसेंटेज मात्र 30% है। तो लोग क्या करते हैं, ये एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मेरी विनिंग एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब है कि ये आपका एक घड़ा है जहां पे पानी तो लगातार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा छेद हो चुका है जो आपके पानी को बहा दे रहा है। यानी आप इनकम तो कर रहे हो सही ट्रेड्स के थ्रू, लेकिन जब जब आप एक गलत ट्रेड भी करते हो आपका नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि उसने आपकी सारी कमाई हुई ट्रेड का पैसा निकाल कर ले जाता है। इसे भी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप बस ध्यान पे दीजिए कि जितना रेशियो आप बेहतर रखेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ये बोलना आसान है, इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन इसके भी तरीके होते हैं, तो आगे हम समझेंगे आगे के वीडियोज में, और ये हम लोगों को सिखाते भी हैं कि इसे कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि ये रिवर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। तो जब मैंने आपको कहा कि अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान होगा कि आप जितना भी कमा रहे हो आपकी 1 या 2 ट्रेड निकाल कर लेके चले जाएगी, उसका मतलब क्या है? आपने एक स्टॉक लिया 500 रुपए में, जैसे ही वो 520 हुआ आपने निकाल दिया तो आपने 20 रुपए कमाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपने सेम स्टॉक लिया 500 में और जब ये 440 हो गया तब तक आप देखते रहे, यानी आपने 60 रुपए का नुकसान किया। तो आपका रेशियो क्या बैठा, कमाओगे तो 1 रुपए, गवाओगे तो 3 रुपए। अब आप एक चीज को समझिए कि अगर आपने पहली ही ट्रेड गलत कर दी तो आपके पॉकेट से 3 रुपए जा चुके हैं, और आप अगर सेम रेशियो में काम करेंगे तो आपको कम से कम अगली 3 ट्रेड सही करनी पड़ेगी, तब आप जाके ये लॉस रिकवर कर पाओगे। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छा फिगर बोला है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो लोग क्या करते हैं, एक स्टॉक लेंगे 500 रुपए का, जैसे ही 520 होगा सेल कर देंगे, लेकिन अगर ये नीचे जाएगा तो शायद ये 100 रुपए भी हो जाए, वहां तक भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालूं तो कमाऊंगा 20 रुपए और गंवाने पे आऊंगा तो 400 रुपए भी गंवा दूंगा। तो क्या आपकी कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगा? मैक्सिमम लोग यही करते हैं, जब मार्केट में आते हैं पहले छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं, फिर बड़े बड़े लॉस करते हैं, और फिर सालों निकालते हैं सिर्फ उस लॉस को रिकवर करने में भी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 7-7, 8-8 साल की मेहनत के बाद अपने कुछ महीनों की गलती को रिकवर करते हैं। तो देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज अगर आप नए आए हैं मार्केट में तो इन सब चीजों को समझें, समझने के बाद में इन्वेस्ट या ट्रेड करें, ताकि बाकियों की तरह आप
अपने साल इनमें ना निकालें कि कैसे मैं बड़े लॉस को रिकवर करूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपको किसी नए वीडियो की चाहत है तो प्लीज आप वो भी मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उस टॉपिक पर मैं आपके सामने वो वीडियो बनाकर ला सकूं।